ब्राइटवर्ल्ड कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में सीखने वाले टेली डॉट ईआरपी9 की जो क्लास है उसके अंदर हम लोग आज सीखने वाले हैं कुछ नया, और वो रहेगा पेरोल के लिए कुछ पेहेड्स क्रिएट करने हैं। और पेरोल के जो पेहेड्स है उसमें से आज हम लोग रिम्बर्समेंट का एक पेहेड क्रिएट करना सीख रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसमें से कौन सी चीज़ में क्या लेंगे, ये सारी चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल सिखाने वाला हूँ। यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे मैं आपको उतना ही क्लास ज़्यादा से ज़्यादा लेके आऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको tele.erp9 के जो आइकन है उससे डबल क्लिक करके आपको टेली को चालू कर लेना है, अपने कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर चालू कर लेना। सॉफ्टवेयर चालू करने के बाद में उसके अंदर अपनी कंपनी ओपन कर लेनी है, जैसे मैंने यहाँ पे ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नाम से कर रखी है, आपको उस तरीके से कर लेनी है। इसके बाद में आपको एक इससे पहले जो पेरोल की सभी क्लासे आप कंटिन्यू देख लें, उसके बाद में यहाँ पे पेरोल इन्फो में जाए, पेरोल इन्फो में जाएंगे तो आपको पेहेड्स पे जाना है, पेहेड्स पे जाएंगे तो यहाँ क्रिएट पे जाना है। यहाँ पे आपको दिखाई यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे नेम के अंदर आपको रखना है रिम्बर्समेंट REI, और यहाँ पे आपको रखना है MBUS, ठीक है, रिम्बर्समेंट RSEMENT, ठीक है, एंटर करेंगे यहाँ पे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि पेहेड का टाइप क्या रखोगे आप। पेहेड का टाइप के लिए आपको R प्रेस करना है, नीचे नीचे रिम्बर्समेंट ऑफ एम्प्लॉय आएगा, ये आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इनकम टैक्स, इनकम का टाइप पूछा जाएगा, किस टाइप की इनकम होती है, ये वेरिएबल टाइप की होती है, फिक्स नहीं होती है। इसके बाद में आपसे पूछेगा अंडर किसके रखना है, तो ये एम्प्लॉय के लिए रिम्बर्समेंट है और कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज लेना है। ये नेट सैलरी को इफेक्ट करेगा इसलिए यहाँ से यस रहेगा। और इसके बाद में नेम टू बी डिस्प्ले, जो नेम यहाँ पे आ रहा है सेम टू सेम हमें रखना है, एंटर प्रेस कर देंगे। इसके बाद में सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल्स में यस करना होगा, जैसे यस करेंगे तो कुछ डिटेल्स आपके सामने इस तरीके से ओपन होंगी, उसमें इनकम टैक्स डिटेल में से इनकम टैक्स कंपोनेंट आपको चूज करना है, जो आ रहा है यही रखना है आपको बाय डिफॉल्ट, अदर अर्निंग्स अलाउंस फुल टैक्सेबल यही लेना है, एंटर प्रेस करना है। देन टैक्स कैलकुलेशन के लिए आपको यहाँ से ऑन एक्चुअल वैल्यू लेना है, जो आ रहा है उसी पर प्रेस कर देना है। और डिटेक्ट TDS एक्ट्रोस पीरियड्स, इसमें नो है तो नो आपको रखना है। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि एक्सक्लूड फॉर ESI इलिजिबिलिटी, ESI के लिए इलिजिबल है या नहीं, तो यहाँ पे ये ESI के लिए इलिजिबल होता है इसलिए यहाँ पे ये नो रहेगा। और इसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पूछा जाएगा कैलकुलेशन का टाइप क्या रखोगे, कैलकुलेशन का जो टाइप है वो आपका रहने वाला है एज ए यूजर डिफाइंड वैल्यू, एंटर करेंगे और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पे क्या है कि एक पेरोल के लिए पेहेड क्रिएट हो जाएगा, और इस वाले पेहेड को देखने के लिए आपको डिस्प्ले में जाना है, और यहाँ पे जो अभी हमने बनाया है रिम्बर्समेंट, ये यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देगा, जैसा मैंने दिखाया था वैसा ही सेम टू सेम दिखाई दे रहा है। यदि आप इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो एस्केप की से बैक आए और अल्टर में जाए, अल्टर में जाके आप यहाँ पे एंटर करें, और एंटर करके यहाँ से जो बदलना चाहें वो बदल सकते हैं। और दूसरा, अगर इसको डिलीट करना है तो अल्ट साथ डी प्रेस करके इसे डिलीट भी कर सकते हैं, और मुझे डिलीट नहीं करना इसलिए मैं नो कर रहा हूँ। इस तरीके से हमने आज जो पेहेड सीखा और रिम्बर्समेंट का सीखा, यदि आपको समझ में आ गया है तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप कंप्लीट अकाउंटिंग नहीं सीखने वाले हैं, ऑनलाइन सीखने वाले हैं, एडवांस एक्सेल सीखने वाले हैं, एडवांस पेरोल सीखने वाले हैं, एडवांस बिजी सीखने वाले हैं, टेली सीखने वाले हैं, सब कुछ एडवांस सीखने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।